को हम माइनस कर दें सपोज कि दिस इज मैक्सिमम एंड हेयर इट इज मिनिमम नाउ इन दिस केस द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी विल गिव द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी तो इस तरह का डायग्राम है तो उसमें अगर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमने निकालनी है तो जो मेन रेजिस्टिंग टॉर्क की जो लाइन है उसके ऊपर जितना भी एरिया आएगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव और इसके नीचे जितना भी एरिया नेगेटिव है uh, जो इसके बिलो होगा दैट विल बी टेकन एज द नेगेटिव सो इन दिस इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी द नेक्स्ट केस इज गवर्नर गवर्नर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर

थ्रोटल वाल को ऑपरेट कराता है थ्रोटल वाल को ऑपरेट कराने से क्या होगा कि जब रिक्वायर्ड होगा तो थ्रोटल वाल ओपन हो जाएगा जिससे कि फ्यूल है वो इनसाइड द सिलेंडर चला जाएगा और जब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस केस में थ्रोटल वाल को ये क्लोज़ करा देगा और फ्यूल की सप्लाई शट ऑफ हो जाएगी तो गवर्नर क्या है कि जब लोड वेरिएशन होती है जब इंजन के ऊपर लोड ज़्यादा डलता है तो उस उस कंडीशन में क्या है इंजन की स्पीड कम हो जाती है इंजन की स्पीड कम होने से क्या होगा कि जो गवर्नर है थ्रोटल वाल्व को ओपन करा देता है कि मतलब जब इंजन के ऊपर लोड बढ़ गया तो उसकी स्पीड को इंक्रीज कराने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए अब उसके लिए क्या है कि अगर एनर्जी इंक्रीज करनी है तो हमें ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नर बेसिकली इस थ्रोटल वाल्व को ओपन कराता है जिसकी वजह से ज़्यादा फ्यूल सिलेंडर के अंदर जाता है और वैन द लोड डिक्रीजिज द उस केस में द इंजन स्पीड विल इनक्रीज एंड देर इज नो लेस रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूल सो यू कैन से समटाइम देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूल एंड देन द गवनर विल ऑपरेट दिस थ्रोटरवाल टू द क्लोज कंडीशन एंड द सप्लाई ऑफ द फ्लूड इन साइड द सिलेंडर विल भी स्टॉप सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल अब फ्लाई व्हील और गवर्नर दोनों में हमें ऐसा लगता है कि इनकी दोनों की वर्किंग सेम uh, uh, है बट देर इज अ डिफरेंस फ्लाई व्हील अ फ्लक्चुएशन इन स्पीड ड्यू टू वेरिएशन इन द इंजन टर्निंग मोमेंट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द ऑपरेशन वेयर एज द गवर्नर कंट्रोल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ड्यू टू द वेरिएशन इन लोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लाई व्हील तो जो टर्निंग मोमेंट की वेरिएशन की वजह से जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है उस आ, उसको कंट्रोल करता है जबकि गवर्नर जो लोड वेरिएशन की वजह से फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है उसको कंट्रोल करता है फ्लाई व्हील इट वर्क्स कंटिन्यूसली इन ई साइकिल इट वर्क्स इंटरमीडिएंटली व्हेन द लोड वेरिज फ्लाई व्हील इट प्रोवाइड इट इज प्रोवाइडेड ऑल इंजन एंड

And uh, second is the inertia governor. So, basically, in this case, we will discuss the centrifugal governor. What is centrifugal governor? The centrifugal governor are based on the balancing of centrifugal force on the rotating balls, which is known as fly balls, by an equal and opposite radial force known as the controlling force. इसमें क्या है कि जो साइंटिफिकल गवर्नर का जो प्रिंसिपल क्या है कि जो फ्लाई बॉल्स और जो कि बॉल्स हैं उनके ऊपर जो साइंटिफिकल फोर्स लग रही है उसको वो इक्वल एंड ऑपोजिट रेडियल फोर्स के साथ बैलेंस करता है सो so, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिकल गवर्नर और uh, साइंटिफिकल गवर्नर को हम आ, डिस्कस कर सकते हैं This is sleeve. These are the arms. This is the sleeve, and here we have the arms. These arms are connected with this. These are the balls also known as the fly ball. It is further connected with the bell crank.

यहां पे जो सिलेंडर है दिस इज द केस ऑफ सेंट्रिफ्युगल गवर्नर इन दिस केस दिस इज द स्पिंडल एंड दिज आर द आर्म्स विच आर कनेक्टेड टू द स्पिंडल एंड द स्लीव

away from this spindle when the, the engine speed will increase as these balls will go away from the spindle then this sleeve will move up and uh, due to which this arrangement this uh, throttle valve will become in the closed condition so the fuel supply will be stopped inside the cylinder and when the engine speed decreases then these balls will come towards the uh, spindle and this sleeve will move in the downward direction and due to this mechanism this throttle valve will open and the fuel will goes into the cylinder in this way the extra power is produced in case of the uh, when there is a, the requirement of the uh, extra fuel so you can see in case of centrifugal governor

इन फ्लाई बॉल्स के ऊपर साइंटिफिकल फोर्स लगेगी जिसकी वजह से क्या है कि ये फ्लाई बॉल्स बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जिससे ये जो स्लीव है ये ऊपर की तरफ जाएगा जब इंजन की स्पीड इंक्रीज करती है ये स्लीव ऊपर की तरफ जाएगा और जिसकी वजह से ये थ्रोटल बाल्व मतलब क्या है कि क्लोज होगा जिससे फ्यूल की सप्लाई कम हो जाएगी इन साइड द सिलेंडर और जब इंजन की स्पीड कम होती है उस केस में ये जो स्लीव है ये नीचे की तरफ आता है जब नीचे की तरफ आएगा तो ये जो बॉल्स हैं ये स्पिंडल की तरफ आ जाएंगे ये अंदर की तरफ आएंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि ये थ्रोटल वाल्व क्या है ये ओपन हो जाएगा जिससे कि फ्यूल की सप्लाई सिलेंडर के अंदर जाना शुरू हो जाएगी अब इसमें हमारे पास आ, जैसे कि वार्ड गवर्नर है वार्ड गवर्नर के अंदर दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इट इज बेसिकली अ कॉनिकल पेंडुलम विच लिंक्स अटैच टू विद लिंक्स अटैच टू अ स्लीव ऑफ नेग्लिजिबल मास मास हैं वो चाहे इंटरसेक्टिंग फॉर्म में है जो स्पिंडल के साथ या उसकी आंस ज्यादा हो सकती है तो बेसिकली इसके अंदर दो तरह की फोर्स ही लगती हैं एक तो साइंटिफिकल फोर्स और दूसरा है जो वेट ऑफ द बॉल्स बॉल्स का जो खुद का जो वेट है उन उससे और इसमें जो स्लीव का जो मास है टेकन नेग्लिजिबल तो इस केस में आ, जो वॉट गवर्नर है उसमें जो डायग्राम होगा दिस इज द हाइट ऑफ द गवर्नर एच हाइट ऑफ द गवर्नर क्या है कि जहां पे आर्म स्पिंडल के साथ इंटरसेक्ट कर रही है और जो बॉल है इसके सेंटर से वर्टिकल डिस्टेंस uh, है दैट इज दाइट एंड दिस इज द रेडियस ऑफ रोटेशन दिस इज द स्मॉल ऑर इज द रेडियस ऑफ रोटेशन हेयर दिज आर कनेक्टेड विद स्लीव द स्लीव हैज इज एज्यूम टू बी है Negligible mass. This is the case of watt governor. In this case, the two forces will act upon this uh, fly balls that is, centrifugal force and the weight of the uh, fly ball. Suppose the both the arms intersect on the spindle at point O. Now, we can take the moment about O. Now we will have FC multiplied by H W into R FC into H W into R FC multiplied by H and this will be MG into R. एम ओमेगा स्केयर आर हम जो साइंटिफिकल फोर्स है दैट कैन बी टेकन एज एम ओमेगा स्केयर आर मल्टीप्लाइड बाई एच एंड वेट इज टेकन एज एम जी आर सो हेयर वी विल हैव एच इज इक्वल टू जी ओमेगा स्केयर अगर हम ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं टू पाई एन बाय सिक्सटी देन एच विल बी इक्वल टू इसको हम आप कर सकते हो कैलकुलेट दैट विल बी इक्वल टू एन स्केयर ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए टू पाई एन बाय सिक्सटी तो हेयर एच विल कम्स आउट टू बी एट नाइनटी फाइव बाय एन स्क्वायर सो दिस इज द केस ऑफ वॉट गवर्नर जो पोर्टर गवर्नर है पोर्टर गवर्नर और इसमें वार्ड गवर्नर में क्या डिफरेंस है कि इन दोनों में यह है कि एक इसमें सेंट्रल लोड एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं स्लीव के साथ में एक सेंट्रल लोड यहां पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं इन केस ऑफ पोर्टर गवर्नर पोर्टर गवर्नर के अंदर क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है वार्ड गवर्नर और पोर्टर गवर्नर के अंदर एक सेंट्रल लोड इसमें एक्सर प्रोवाइड कर देते हैं बाकी सारी कैलकुलेशन उसी तरह कर देते हैं सो दिस इज द केस ऑफ पोर्टर गवर्नर वेरियस टर्म्स यूज इन गवर्नर फर्स्ट इज हाइट ऑफ गवर्नर इन केस ऑफ हाइट ऑफ गवर्नर वेयर द आर्म्स ऑफ

इंटरसेक्ट ऑन द स्पिंडल एक्सिस तो हम क्या करते हैं कि जो आ, बॉल का सेंटर पॉइंट लेते हैं और जहां पे स्पिंडल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दोनों का जो वर्टिकल डिस्टेंस है हाइट ऑफ द गवर्नर अदर केस इज इक्विब्रियम स्पीड इट इज द स्पीड एट विच द गवर्नर बॉल्स और आर्म्स एटसेट्रा आर इन कंप्लीट इक्लिब्रियम एंड द स्लीव डज नॉट टेंट टू मूव अपवर्ड एंड और डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या है कि जहां पे स्लीव एक फिक्स पोजिशन में आ गया सो दट द कोरोस्पोिंग टू दैट पोजिशन द स्पीड इज नोन एज इक्विब्रियम स्पीड मेन इक्विब्रियम स्पीड इट इज द स्पीड एट द मेन पोजिशन ऑफ द बॉल्स मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विब्रियम स्पीड द स्पीड एट द मैक्म एंड द मिनिम रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल्स जितनी ज्यादा मैक्सिमम दूर चली गई जितना ज्यादा उसका रेडियस ऑफ रोटेशन होगा कोरोस्पॉग टू दैट स्पीड इज नोन एज द मैक्सिमम स्पीड और जो मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन होगा कोरोस्पॉ टू दैट इज दैट स्पीड इज नोन एज द मिनिमम इक्विब्रियम स्पीड द स्लीव लिफ्ट इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन विच द स्लीव ट्रेवल्स ड्यू टू चेंज इन इक्विब्रियम स्पीड Principle construction and working we have discussed. Now we have effort of a governor, it is the average force that acts on sleeve for a given percentage change in speed. So, this is the effort of a governor. Power of a governor.